ये लड़का बोल नहीं सकता है, मगर पढ़ने का मन करता है, समझता है पूरा चीज, खाने पीने सब समझता है। अच्छा कुछ लिखने आता है? लिखो तो, निकालो निकालो। इसके जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं से पी रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप प्यार। दोस्तों मैं आया हूँ आर मिडिल स्कूल कारा में, जो सरकारी स्कूल है। ये देखिए कारा गाँव इधर है आपका, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और उच्च विद्यालय कारा ओबरा औरंगाबाद बिहार, और ये 2019 में से 20 में इसको स्थापित यानी इस गेट को बनाया गया था। और दोस्तों आज इस स्कूल में जितने सारे खासियत है, सरकारी स्कूल है मगर ये औरंगाबाद जिला बिहार में है, जो यहाँ पर बहुत सारे सुविधाएँ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी बच्चे प्रे हुआ है और अभी क्लास में जाएंगे, अभी पानी उनी भी पी रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से नल का बनाया गया है, जिसके जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं से पी रहे हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से बाउंड्री बनाया गया है आप देख सकते हैं, और चारों तरफ ये देखिए चारों तरफ बिल्डिंग जो है से कितना सुंदर है आप देख सकते हैं, और बहुत ही सजा कर यहाँ पर हर तरह से कोटेशन अच्छा अच्छा जो मिलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दीवार पर यहाँ लिखा भी रहा है, और यहाँ मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ जितने सारे बच्चे हैं लगभग, और ये मिडिल स्कूल है और अब हाई स्कूल भी हो चुका है, और यहाँ पर मात्र सारे बच्चे लगभग और नीचे बैठते हैं, बेंच पर नहीं बैठते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इनके क्लास में भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं मिडिल स्कूल में आया हूँ, सरकारी स्कूल में, जो आपको मैं पहले भी बताया। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा और दुर्भाग्य की बात है कि बचपन में पहले हम भी नीचे ही बैठते थे बोरा पर, जैसे आप लोग बोरा पर बैठे हुए ना उसी तरह से मैं भी इसी तरह से पढ़ा हूँ। मगर आज तो आजकल बहुत ही फैसिलिटी हो गया है, जो बच्चे सरकारी स्कूल के भी बच्चे बेंच पर बैठ रहे हैं, मगर यहाँ भी देखिए। और बोरा आप लोग घर से लाते हैं? यस सर। बोरा जो घर से लाते हैं? हाँ। इन लोग जो बोरा है, बहुत सारे जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, इधर लड़कियां का संख्या ज्यादा है आप देख सकते हैं। अगर इन लोग को कंपटीशन किया जाए तो आप लोग जीत जाइएगा, है ना? तो इन लोग देख लीजिए लड़कियां का ज्यादा है, और उसके बाद यहाँ पर लड़के का संख्या जो है कम है, ये देख सकते हैं। ये देखिए बेचारा बोरा आप नहीं लाए हो? ना। हो बोरा कहाँ नहीं लाया? बोलता नहीं है क्या? अच्छा बोलता नहीं है, मैंने पढ़ना है तो इसको बिछा लो ना, बिछाओ 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 बिछाओ। वाह रे वाह वाह वाह। और चप्पल वहाँ खोलना है ना बेटा, चप्पल वहाँ खोल दो, वहाँ वहाँ, हाँ हाँ खोल दो वहाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे 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 अरे, ये लड़का देखिए, ये लड़का बोल नहीं सकता है मगर पढ़ने का मन करता है, समझता है पूरा चीज, खाने पीने सब समझता है। अच्छा कुछ लिखने आता है? लिखो तो, निकालो निकालो, आज निकालो निकालो पेंसिल अपने। अच्छा ये पेन चौक है? चौक है आप लोग के पास? चौक लाइए, चौक है किसी के पास? चौक है आपके पास? चौक, अरे वाह, हाँ चालू है। तो ये देखिए चौक है ना, आपको लिखने आता है? कोई किस क्लास का है? फोर क्लास है। चलो खड़ा हो जाओ। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये लड़का बोल नहीं सकता है मगर समझ सकता है। इसका नाम क्या है? आए कुंदन। अच्छा कुंदन नाम है। अच्छा आपको अपना नाम लिखने आता है? लिखो कुंदन, आपका कुंदन नाम है ना, आप कुंदन लिखो। अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा एबीसीडी आता है? लिखो। अच्छा 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 लिखो लिखो, हंसो नहीं और लिखो। अच्छा क ख आता है? क ख नहीं आता है। दोस्तों ये बोल नहीं सकता है, कुछ समझता है बातों को, कुछ बातों को नहीं भी समझता है, मगर पढ़ने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है ना। ये डेली आता है? ये डेली आता है? और ये डेली आता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर बैठ जाओ बैठ जाओ, ताकि बात को ये समझता है। और आप लोग से हम पूछते हैं, जैसे कि आप सरकारी स्कूलों में आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ डेली पढ़ाई होता है? यस। आए
यस सर। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छा कौन से आपको टीचर लगते हैं बताइए, आपको बताइए, आप बताओ। मुन्ना सर और राजुद्दीन सर। अच्छा, मुन्ना सर और राजुद्दीन सर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहाँ सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? नहीं सर। हाँ, चार पांच होता है। अच्छा, पांच सब्जेक्ट को होता है, मगर जो भी पढ़ाई होता है वो अच्छा होता है? हाँ। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो इतने सारे बच्चे लोग यहाँ पर नहीं आते, मगर अच्छा पढ़ाई हो रहा है तब तो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बीना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा। फोर में पढ़ती हो? डेली आती हो? जी सर। स्कूल में पढ़ाई होता है यहाँ पर? हाँ सर। कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? मुन्ना सर और राजुद्दीन सर। राजुद्दीन सर, मुन्ना सर और राजुद्दीन सर। अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा टीचर राज मुन्ना सर और राजुद्दीन सर ही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, इन लोग मुन्ना सर और राजुद्दीन सर का ही नाम ले रहे हैं। चलिए, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आप सारा सब्जेक्ट लेकर आए हैं? यस सर। पढ़ाई होती है ना सारे सब्जेक्ट में? देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत लड़का है, यानी 70 लड़का आराम से होगा इस क्लास में, और सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इन लोग डेली पढ़ने के लिए आते हैं, डेली आते हैं ना? डेली डेली इन लोग आते हैं, और ये पढ़ाई भी अच्छे मन से करते हैं और तन मन से करते हैं इन लोग। और डेली पढ़ना है, पढ़ के क्या बनोगी बताओ? बोलो। क्या बनोगी? बोलो। डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छे, आप क्या बनोगे? क्या बना? बोलो। डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छे, चलिए और सब बताइए, आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? पुलिस। अच्छा, ये बताओ, पुलिस? चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। कहाँ है, कौन सा है मुन्ना सर? अच्छा, आइए आइए सर, आपका वेलकम है। यहाँ पर जितने सारे बच्चे हैं, और काफ़ी आपका नाम ले रहे हैं कि मुन्ना सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, मुन्ना सर आ चुके हैं, और देखिए यही है मुन्ना सर ना? यस सर। कि कोई और है? नहीं सर। इस स्कूल में सबसे ज़्यादा का नाम अगर लिया जा रहा है तो मुन्ना सर और राजुद्दीन सर। ऐसा क्या खासियत है आप में बताइए मुन्ना सर? सर, हम लोग बच्चों के बीच रहते हैं। हाँ। और बच्चों पर बहुत ज़्यादा मैंने उत्प्रेरित करते रहते हैं कि नहीं, बच्चे आगे में बढ़ते रहे, और इसी तरीका से इन लोग को हम लोग। अच्छा, क्या करते हैं कि आप ये बच्चे लोग खुश हो जाते हैं? बच्चे लोग? हाँ। अभी तो मेरे बारे में तो बच्चे ही लोग बता सकते हैं। हाँ, लोग काफी नाम बताएं जी। अच्छा, कुछ एक्टिविटी भी करवाते रहते हैं क्या? जी सर। अच्छा, जैसे मैं, आप बताइए। जैसे मैं, मान लिया जाए कि अंताक्षरी कभी काल हो जाता है, संगीत भी हो जाता है। हाँ। कुछ संगीत के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अंताक्षरी भी हो जाती है। अच्छा। और खेल खेल में बहुत सारे चीज जो है एक्टिविटी कर देते। तो दोस्तों देख लीजिए, मुन्ना सर को सबसे ज़्यादा नाम इसलिए लिया जाता है और राजुद्दीन सर को, कि ये दोनों जो सर हैं काफ़ी अच्छे तरह से बच्चों लोग को पढ़ाते हैं, और साथ एक्टिविटी करवाते हैं, और अच्छा से एक चीज़ों को बताते रहते हैं। तो चलिए, सो थैंक यू सर कि कम से कम आप बच्चों को लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। चलो एक बार बाय कर दो सब लोग, बाय करो। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।